Hello student, good morning. Today I am going to solve problems based on arithmetic mean. Okay, first question is the mean of 5 number is 30. If one number is excluded, their means become 28. Find the excluded number. ठीक है, देख ध्यान दीजिए कि first 5 number का क्या कहते हैं, mean है 30, तो numbers के क्या sum of the numbers कितना हो जाएगा, ठीक है ना, मीन ऑफ फाइव नंबर इज 30, तो क्या कहते हैं सम ऑफ द फाइव नंबर्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ द फाइव नंबर्स इज 30 × 5 इज इक्वल टू 150. इसी सिमिलरली सम ऑफ द 28 नंबर्स, ठीक है, सम एक वन नंबर इंक्लूड कर दिया गया है, तो सम ऑफ क्या कहते हैं, सम ऑफ दीज नंबर्स कितना हो जाएगा, 28 × 4, सम ऑफ द फोर नंबर 28 × 4 112. एक्सक्लूडेड नंबर क्या हो जाएगा, 150 − 112 इक्वल टू माइनस कर लीजिए 8 × 4 = 138 आ जाएगा. तो एक्सक्लूडेड नंबर क्या हो जाएगा, 38. देखिए मीन इसका 30 दिया था फाइव नंबर्स का, तो अगर आपने फार्मूले पर ध्यान दें तो मीन इक्वल टू क्या है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई, आई इज इक्वल टू 1 to n / n. n क्या है, नंबर है, फाइव नंबर्स हैं, और क्या कहते हैं मीन आपका 30 है, तो सिग्मा एक्स आई ये निकालना है, तो कितना हो जाएगा n × x बार, n 5 है, x बार 30 है, तो सम ऑफ m नंबर्स आ गया 150. इसी तरह जब एक नंबर एक्सक्लूड कर दिया गया तो फिर क्या कहते हैं, कह रहा है मीन 28 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, n कितना हो गया 4, तो 4 × 28 = 112. तो एक्सक्लूडेड नंबर क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वही एक्सक्लूडेड नंबर होगा, तो वो 38 हो जाएगा, ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मीन ऑफ 40 नंबर वॉज फाउंड टू बी 38. लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अ नंबर 56 वॉज मिस रीड एज 36. फाइंड द करेक्ट मीन ऑफ द गिवेन नंबर. क्वेश्चन आप समझ रहे हैं कि मीन ऑफ 40 नंबर्स का मीन जो है 38 है, लेकिन बाद में पता चला कि 50 की गलती से मिस 56 को 36 पढ़ लिया गया था, तो अब 56 रख करके उसकी नया मीन क्या होगा ये बताना है, ठीक है ना. तो देखिए पहली चीज तो सम ऑफ आंसर में क्या लिखेंगे, सम ऑफ द 40 नंबर्स कितना हो जाएगा, 40 × 38, तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करें 4 × 8 = 32 + 4 × 3 = 12 = 3 = 115 हो जाएगा, और 0 = 1520 हो जाएगा, ठीक है ना. अब ध्यान दीजिए जो कैसे निकालते हैं, ये तो टोटल है, अब करना क्या है हमको, इसमें जो है करेक्ट नंबर करेक्ट सम क्या होगा, पहले ये देख लीजिए, करेक्ट सम इक्वल टू 1520 माइनस क्या होगा, इनकरेक्ट नंबर, जो रॉन्ग नंबर हम पढ़ लिए हैं वो, तो रॉन्ग नंबर प्लस करेक्ट नंबर, करेक्ट नंबर, ठीक है ना. तो आप देखिए 1520 इनका रॉन्ग नंबर क्या है, 36 है, और सही नंबर क्या है, 56 है,
अब इसमें से देखिए, अगर 56 में से 30 माइनस कर दें तो 20 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1540 हो जाएगा। 1540 हो गया, तो क्या कहते हैं मीन क्या हो जाएगा, न्यू मीन इक्वल टू 1540 अपॉन 38, 1540 अपॉन 40, 40 नंबर से, तो 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो पहले 43 जा 120, 160 हो जाएगा, 4 जा तो 13 जा हो जाएगा, ठीक है। और फिर बचेगा यहाँ पे 43 जा 120 तो बचेगा 34, 340, तो ये कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स ले जाएं, और फिर ये 0.5, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 36, द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 36, आउट ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस इफ द मीन ऑफ 13, द मीन ऑफ द 13 ऑब्जर्वेशन इज 38, 32, एंड द लास्ट गलत लिख दिया गया है, द आउट ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन इज 32 एंड द लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन इज 40, फाइंड द 13th ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। ये दिया है द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 36, ठीक है। 25 नंबर्स के ऑब्जर्वेशंस के का मीन 36 है, फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन का मीन 32 है, एंड लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन का मीन 40 है, तो हमें 13th ऑब्जर्वेशन को फाइंड करना है। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, मीन ऑफ 13 ऑब्जर्वेशन ये गिवन है, मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 36, द सम ऑफ द 25 ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, सम ऑफ द 25 ऑब्जर्वेशन इज 36 इंटू 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 900, 25 6 जा 150 और 25 3 जा 75 और 15 90 हो जाएगा। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए कि मीन ऑफ फर्स्ट 13, सम ऑफ द फर्स्ट 13 आप डायरेक्ट लिख रहे हैं, सम ऑफ द फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन इस 13 इंटू 32, ये कितना हो जाएगा, 13 इंटू 32 416, 13 2 जा 26 हो जाएगा, और 13 3 जा 99 और 2 416 हो जाएगा, और सम ऑफ लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, 13 इंटू 40 कितना हो गया, 13 इंटू 40 जो है वो हो जाएगा 520 हो जाएगा। अब 13th नंबर कैसे निकाला जाए, ठीक है ना, तो सम ऑफ द 13th नंबर जो निकाल रहे हैं, 13th नंबर इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन प्लस सम ऑफ द लास्ट
13 ऑब्जर्वेशन माइनस सम ऑफ द 13 25 ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द 25 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो पहले वाले का आया है ना, क्या कहते हैं, 416 प्लस 520 माइनस कितना आ रहा है, जो 25 ऑब्जर्वेशंस का कितना आया है 900। अब इसको ऐड कर 36 हो जाए, 936 माइनस 900 तो कितना आ जाएगा 36। तो 13th ऑब्जर्वेशन क्या आ गया 36। जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो पहले जो टोटल निकाल दिया, फिर फर्स्ट 13th का निकाला, फिर लास्ट 13th का निकाला, फर्स्ट 13th और लास्ट 13th के टोटल सम को ऐड करके उसमें से उसको जो है उसमें से टोटल ऑब्जर्वेशन जो आया मीन आया था उस सम आया था उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा, इस तरीके से किया जाता है इसको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेटर हैज मीन स्कोर ऑफ 58 रन्स इन 9 इनिंग्स, फाइंड आउट हाउ मेनी रन्स आर टू बी स्कोर्ड बाय हिम इन द 10th इनिंग टू रेज द मीन स्कोर टू 61, ठीक है। एक क्रिकेटर की एवरेज क्या निकल रही है, 9 इनिंग्स में 58 रन्स पर इनिंग आ रही एवरेज। अब वो 10th इनिंग जब खेल रहा है तो उसको कितना रन और बनाना चाहिए कि जिससे एवरेज 61 हो जाए, ठीक है ना। इसके लिए देखिए क्या करना होगा, पहली तो टोटल स्कोर कितना आया इसका ये निकाल लीजिए, टोटल स्कोर ऑफ 9 इनिंग्स कितना हो जाएगा कि 9 into 58 कितना हो जाएगा 9 8 72 9 5 45 और 7 कितना हो जाएगा 52 तो 522 हो गया, ठीक है। अब हमें चाहिए कि उसका एवरेज 61 हो जाए, तो 10 इनिंग में तो टोटल स्कोर ऑफ 10 इनिंग्स कितना हो जाएगा 10 into 61 कितना हो जाएगा 610, ठीक है। अब कितना बनाना है इसको, ठीक है ना, तो वो कैसे निकालें, नंबर ऑफ रन्स टू बी स्कोर्ड, नंबर ऑफ रन्स टू बी स्कोर्ड कितना हो जाएगा 610 माइनस 522, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसको ध्यान से देखिए, तो ये होगा 78 और 10 और कितना हो जाएगा 98, ठीक है ना, तो सॉरी 88, तो 88 रन्स उसे और बनाना होगा 10th इनिंग में, 88 रन्स बनाना होगा। 9 इनिंग्स में उसने 58 के एवरेज से बनाया तो टोटल स्कोर आया उसका 52। अगर 61 का एवरेज ले जाना है तो उसे अपना टोटल कहां तक ले जाना होगा 610 तक, और 610 तक जाने के लिए उसे स्कोर कितना करना पड़ेगा 88, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्या है, अ ट्रेन एंड ट्रेन ट्रेवल्स बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी व्हाइल गोइंग फ्रॉम ए टू बी द एवरेज स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर and then coming back B to A, its average speed is 120 km per hour. Find the average speed of the train during whole journey. हमको पता करना है whole journey में train ने कितनी speed बनाई, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, suppose
डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एक्स किलोमीटर, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर है, तो क्या कहेंगे कि टाइम टेकन, टाइम टेकन टू कवर, टू कवर डिस्टेंस ए टू बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन स्पीड क्या है 80 किलोमीटर। आपको मालूम है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, एक्स डिस्टेंस सॉरी हाँ डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। इसी तरीके से जब वो वापस आ रहा है, ठीक है ना, कम टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस बी टू ए इज इक्वल टू एक्स अपॉन 120। अब की 120 थी एवरेज स्पीड, अब टोटल टोटल टाइम टेकन कितना हो गया, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू एक्स अपॉन 80 प्लस एक्स अपॉन 120, तो कितना हो जाएगा 12 और 18, इनका क्या कहते हैं एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, एलसीएम लेने पे कितना आएगा, तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना, पहले तो कॉमन कर लीजिए कि एक्स अपॉन, ठीक है, 40 कॉमन कर दीजिए, एक्स अपॉन 40 कॉमन कर दीजिए, तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3, ठीक है, 3 और 2 5, अब नीचे 6, ठीक है, तो कितना हो जाएगा एक्स क्या कहते हैं एक्स अपॉन 40 × 5/6, तो 5 8 जा 40 कितना हो जाएगा x अपॉन 48, ये तो आया टोटल टाइम कवर। अब डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है 2x, टाइम पूरा आ गया, आने और जाने का टाइम आ गया, और डिस्टेंस कितना कवर किया x किलोमीटर गया और x किलोमीटर आया, ठीक है ना। तब क्या कहते हैं एवरेज स्पीड क्या होगी, द एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2x अपॉन 48, ये एक्स एक्स कट जाएगा, 48 ऊपर जाएगा, तो 48 × 2 कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 9, 96 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा एवरेज स्पीड, ठीक है ना। हमने सपोज कर लिया है कि डिस्टेंस कितना है x किलोमीटर, ए टू बी जाने का डिस्टेंस कितना x किलोमीटर, तो x किलोमीटर ही वापस आएगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2x किलोमीटर हो जाएगा। जाते समय एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर है, तो टाइम कितना ले रहा है x अपॉन 80, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है, आपको मालूम होगा कि क्या कहते हैं इस ये फिजिक्स में ये फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा। इसी तरह टाइम टेकन कवर डिस्टेंस बी टू ए जब बैक कर रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी 120 है, तो एक्स अपॉन 120, इन दोनों को ऐड कर लिए, तो टोटल एवरेज वेलोसिटी के क्या कहते हैं टाइम कितना लग गया आने और जाने में एक्स अपॉन 48, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एक टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया ये 2x अपॉन x × 48 × 2 96 किलोमीटर, ठीक है ना। अब अगला देखिए, द मीन ऑफ 16 नंबर इज 8, द मीन ऑफ 16 नंबर इज 8, इफ 2 इज एडेड टू एवरी नंबर्स व्हाट विल बी द न्यू मीन। अब ध्यान से देखिए, ठीक है ना, तो क्या कहते हैं कि क्या कह रहा है, द मीन हमने कल बताया था कि x बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई
आई इज इक्वल टू वन, कहां तक जाना है, 16 नंबर्स तक है, तो 16 अपॉन एन, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 16, ये यहां लिख लीजिए एक्स बार। अब इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि एक्स बार क्या कहते हैं, ये टोटल 16 नंबर्स का एवरेज पीडीए हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि सारे नंबर्स में 2 ऐड किया जाए तो क्या हो जाएगा, अब देखिए एक्स बार इक्वल टू एक्स वन प्लस टू प्लस एक्स टू प्लस टू प्लस एक्स थ्री प्लस टू प्लस एंड सो ऑन, एक्स 16 प्लस टू अपॉन, अब भी क्या होगा 6, और एवरेज क्या कहते हैं, ये कितना दिया है, ये 8 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो अब ये 8 यहां पर, तो ये 8 है, ठीक है, इसको 8 है, तो यहां पे ऐसे लिख दीजिए 8 इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू 16 एक्स आई अपॉन 16, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, इस 16 एक्स बार हो जाएगा इज इक्वल टू क्या कहते हैं, सब में 2 2 2 ऐड किया 16 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 32, और एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री कितना है, ये क्या कहते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एंड सो ऑन एक्स एन सॉरी एक्स 16 प्लस 132 अपॉन क्या कहते हैं 16 होगा अपॉन 16, और यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, सिग्मा एक्स आई आई इज इक्वल टू 1 टू 16 16 8 कितना हो जाएगा 128, अब यहां पे रख दीजिए ये कितना हो जाएगा 128 प्लस 32 सॉरी 32, तो कितना हो जाएगा कि क्या एक्स बार इक्वल टू 160 अपॉन 16, तो कितना हो जाएगा 10। कल हमने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाते समय बताया था कि जितना नंबर ऐड करेंगे, सेम नंबर अगर नंबर्स में ऐड किया जाता है तो उसका मीन भी उतने ही नंबर बढ़ जाता है, अगर इसमें 2 ऐड किया गया है तो मीन में भी 2 ऐड हो जाएगा, तो मीन 8 था, अब कितना हो गया 10, इतना ही नंबर अगर सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो मीन भी इसी तरह सब्ट्रैक्ट होके 2 से कम हो जाए, 2 कम हो जाता 6 हो जाता, मल्टीप्लाई किया जाता तो ये 16 हो जाता, और यही डिवाइड किया जाता तो ये 4 हो जाता, ठीक है। इसको आप इसी क्वेश्चन को चारों तरंग से लगा के देखिए, एक बार ऐड करके मैंने दिखाया है, आप सब्ट्रैक्ट करके भी देखो।